चलिए आगे बढ़ेंगे और करेंगे एक और बड़ी खबर और बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, 25,000 से 40,000 कर दी गई है पेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, आपातकाल के सेनानियों की भी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, जो कि पहले 10,000 थी और उसे अब बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। 1 जुलाई से ये नए जो पेंशन के बढ़ोतरी है वो लागू होगी। हिंदी आंदोलनकारियों की ये की गई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाई गई है, आंदोलनकारियों की भी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, आपातकाल के सेनानियों की भी पेंशन को यहाँ बढ़ाया गया है। 10,000 रुपए थी पहले तक और अब उसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। 1 जुलाई से ये सभी बड़ी हुई पेंशन के दाम मिलने लगेंगे। हिंदी आंदोलनकारियों की भी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़ गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे जो इमरजेंसी के अंदर जिन्होंने इस संविधान की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो जेलों में चले गए, यातनाएं सही, उन परिवारों को 10,000 रुपए महीने की पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि अब ये पेंशन उन परिवारों को 20,000 रुपया 1 जुलाई से मिलनी शुरू हो जाएगी। आज मैं एक और घोषणा कर रहा हूं कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जो हिंदी आंदोलन में जो हिंदी को बचाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, 1 जुलाई से उनको 20,000 रुपए मिलनी शुरू हो जाएगी।